आलिया भट्ट को आ रहे हैं बहुत ज्यादा धमकी भरे मैसेज। दरअसल सुशांत के निधन के बाद बहुत सारे स्टार किड्स की ट्रोलिंग हो रही है और ऐसे में आलिया भट्ट को भी बहुत सारे जो है मैसेजेस किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स बंद किया था, लेकिन अब उनकी बहन ने जो है वो सारे मैसेजेस शेयर किए हैं और इंस्टाग्राम को भी लिखा है कि ये किस तरह की जो है ट्रोलिंग और धमकियां आ रही हैं। क्या है पूरी खबर, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म इंडो पर बताऊंगी। शाहीन ने, जो आलिया की बहन है, बहुत लंबा जो है पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में उन्होंने वो सारी बातें लिखी हैं जिन चीज़ों को लेकर वो इतने दिनों से परेशान है कि कैसे आलिया भट्ट को जो है परेशान किया जा रहा है और किस तरह से वो इतने दिनों तक चुप रही, सहती रही, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, अब बहुत हो गया। जो मैसेजेस हैं वाकई में बहुत ही थ्रेटनिंग और बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। मतलब कोई भी किसी को इस तरह के मैसेजेस कैसे कर सकता है। आई होप यू एंड यूर सिस्टर डाइज ऑफ डिप्रेशन एंड यूर फादर डाई ऑफ कैंसर, एक लिखते हैं, एंड आई फादर लॉस ऑफ फेम मनी एंड किल हिमसेल्फ। तो इस तरह की जो मैसेजेस हैं, हालांकि इतने डिप्रेशन वाले मैसेज है कि इनको पढ़ा भी नहीं जा सकता है, और इनको लेकर जो है शाहीन ने अब इंस्टाग्राम को लेटर लिखा है। वो कहती हैं, यू हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज फॉर अ लॉट ऑफ द कंटेंट दैट पीपल पुट अप ऑन द प्लेटफॉर्म, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू रिसीव अब्यूसिव मैसेजेस, टर्न ऑफ योर मैसेज रिक्वेस्ट, टायर्ड ऑफ बींग कॉल्ड अ बिच इन यूर कमेंट्स, टर्न ऑफ यूर कमेंट्स, सो आई स्पीक नाउ। वो कहती है, मैंने बहुत दिनों तक सोचा समझा कि मैं आवाज़ उठाऊँ नहीं उठाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है नहीं रह सकती मैं, मुझे आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। आई विल यूज ऑल लीगल रिकोर्स अवेलेबल टू मी टू टेक एक्शन। इफ यू थिंक यू कांट बी लोकेटेड बिकॉज यूर अकाउंट इज एनोनमस, प्लीज थिंक अगेन। IP addresses are easily trackable. You are not visible. Harassment is a crime. तो कहती है, मैं लीगल एक्शन लूंगी इन लोगों के खिलाफ जो इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं। इतना ही नहीं, वो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि क्यों हमारे देश में औरत के साथ हर 15 मिनट में गलत काम की खबरें आती हैं, क्यों हम किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते, क्यों हमारे देश में औरतों को इस तरह से अशेम किया जाता है। Because what better way to render a woman powerless than to make her ashamed of being a woman? इस तरह से उन्होंने बहुत लंबा पोस्ट लिखा है। We live in a country that seems to relish nothing more than rendering people powerless. A country that relishes putting people in their place or showing them their औकात. India is considered the world's most dangerous country for sexual violence against women. तो वाकई में जो उन्होंने चीज़ें शेयर की हैं वो वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा मैंने भी पढ़ी। जिस तरह की मैसेजेस आलिया को जा रही हैं, वो ट्रोलिंग जिस तरह से हो रही है, उसको लेकर अब शाहीन ने कहा है कि वो लीगल एक्शन ज़रूर लेंगी। सोनी राजदान को भी अपना जो है, उनकी मदर को भी अपना बॉक्स जो है कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा था। इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर दिया है। तो जिस तरह से स्टार किड्स की ट्रोलिंग हो रही है, करण जौहर भी बहुत दिनों से अब सोशल मीडिया पर नहीं है, आलिया की भी जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, उनको लेकर उनका परिवार अब काफ़ी परेशान है। और शाहीन ने साफ कहा है कि बहुत ही आसान है IP एड्रेस ट्रैक करना और इन सभी के खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन लेने वाली हैं।